चंद्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं सतीश कुमार। तो दोस्तों, हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। चाइल्ड डेवलपमेंट की इस सीरीज में हमने कई चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, चाहे वो पियाजे की थियरी हो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड थी, चाहे उसके बाद हमने इंक्लूजन के कुछ टॉपिक्स देखे थे। हमने जेंडर पढ़ लिए हैं, हमने इंक्लूजन का पढ़ लिया था। इंक्लूजन किस तरह से होता है, इंक्लूजन किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है, क्या नेसेसरी है, और हमने पेडागोजी से रिलेटेड टॉपिक्स को भी देखा था जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ रहे थे, चाहे वो स्टेजेस हो, चाहे स्टेजेस के डेवलपमेंट हो। तो इन सारी चीजों को हम पढ़ लिए हैं। आज जो हम पढ़ेंगे अपना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फैक्चुअल टॉपिक जिसको हम कह सकते हैं, वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है हमारे सब्जेक्ट का, हमारे डिसिप्लिन का, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जाते हैं। चाहे आपका उत्तर प्रदेश की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, चाहे वो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, तो सीटेट हो या यूपी टेट हो, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इंटेलिजेंस से पूछे जाते हैं। इस तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं कि इंटेलिजेंस का कंसेप्ट किसने दिया, इंटेलिजेंस की थियरी किसने दी, इंटेलिजेंस वर्ड कहाँ से आया है, और इंटेलिजेंस में कौन कौन थियरी किस किस ऑथर ने दी थी, किस सन में दिया था। तो ये सारे जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, किस थियरी के, किस थियरिस्ट के थियरी का नाम क्या है, ये सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इंटेलिजेंस से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके यहाँ का, वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। बुद्धि आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। बुद्धि से काफी क्वेश्चन, बुद्धि का विकास कैसे होता है, इन सब के लिए हम अपने धीरे धीरे आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ते रहेंगे। किस तरह से एक टीचर्स को हेल्प करना चाहिए एक चिल्ड्रन के आईक्यू के डेवलपमेंट के लिए। बुद्धि का जो मेजरमेंट होता है वो आईक्यू से मापा जाता है, इंटेलिजेंट कोशेंट। तो हम देखेंगे आईक्यू का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किसने आईक्यू की खोज की, आईक्यू में क्या होता है, क्या चीजें नहीं होती है, आईक्यू क्यों यूज होता है, कैसे आईक्यू को बढ़ाया जाए, इन सारी चीजों को हम इंटेलिजेंस में पढ़ेंगे। और इंटेलिजेंस काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है हम सभी के लिए। हम सबको एक उत्सुकता रहती है कि इंटेलिजेंस कौन कितना इंटेलिजेंस है, हम कितनी कैटेगरी में इंटेलिजेंस को बांटते हैं। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे और सीखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। हम पढ़ने वाले हैं आज बुद्धि के बारे में कि क्या होता है बुद्धि, बुद्धि की विशेषताएं क्या होती है, उसकी नेचर क्या क्या होती है। तो इन सारी चीजों को आज हम देखेंगे। आइए देखते हैं पहला क्या है, बुद्धि के बारे में देखते हैं। बुद्धि क्या है, बुद्धि, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस एक मानसिक शक्ति है जो क्या करती है, जो वस्तुओं और तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है, वह बुद्धि कहलाती है। बुद्धि क्या कहलाती है, बुद्धि किसमें हेल्प करती है, बुद्धि हेल्प करती है हमें तथ्यों को समझने यानी फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करने में, चाहे उनमें आपसी रिलेशन क्या है चीजों के, फैक्ट के एक दूसरे ज्ञान में रिलेशन क्या है उसको समझने में, हमारे रीजनिंग को समझने में क्या करती है, बुद्धि में हेल्प करती है। तो बुद्धि का ये मतलब होता है कि बुद्धि क्या है, हमें जो मदद कर रही है। बुद्धि क्या है, बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। अब कोई व्यक्ति किसी नई परिस्थिति में आ गया है, कोई नई परिस्थिति में फंस गया है, उससे उसके अनुकूलन को क्या, कौन सहारा देता है, उसमें अनुकूलित होने को सहारा उसकी बुद्धि देती है। तो बुद्धि एक ऐसा फैक्टर है जो व्यक्ति को क्या करती है, हेल्प करती है उसे अनुकूल होने में, उसे चीजों को एडॉप्ट करने में, उसे न्यू सिचुएशन में नई परिस्थितियों को क्या करनी है, एसिमुलेट समायोजन करने में क्या करती है, मदद करती है बुद्धि। बुद्धि को और क्या कहा जाता है, बुद्धि एक सूचना प्रसंस्करण की योग्यता की तरह समझा जा सकता है। क्या है बुद्धि, एक सूचना प्रदाता है, वो क्या करती है, इंफॉर्मेशन से पता चलता है आपके अंदर कितना इंफॉर्मेशन आ रहा है, बुद्धि से ही आप कितना इंफॉर्मेशन रिसीव कर पा रहे हैं, कितना इंफॉर्मेशन आप दे पा रहे हैं, कितना इंफॉर्मेशन आप गेन कर पा रहे हैं। तो बुद्धि क्या है, एक सूचना प्रसंस्करण की योग्यता की तरह समझा जाता है, ठीक है। एक और चीज है कि बुद्धि फिर आई कहां से, बुद्धि का शब्द जो है इंटेलिजेंस ये कहां से आया है, तो इंटेलिजेंस का जो शब्द है वो लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड से आया है, और जो लैटिन वर्ड है वो इंटेलिजियर, इंटेलिजियर से आया निकला हुआ शब्द क्या है, इंटेलिजेंस। और इंटेलिजियर का मतलब क्या होता है,
टू अंडरस्टैंड मतलब समझना, इंटेलिजियर का मतलब क्या होता है, टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना ही क्या कहलाती है, बुद्धि हमारी कहलाती है। तो बुद्धि का लैटिन वर्ड क्या है, इंटेलिजियर। ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंटेलिजेंस किस वर्ड से बना है, इंटेलिजियर से। बहुत ही सिंपल है, इंटेलिजेंस और इंटेलिजियर, इंटेलिजियर का मतलब क्या होता है, टू अंडरस्टैंड, समझना, किसी चीज को समझना क्या कहलाता है, बुद्धि, इंटेलिजियर या इंटेलिजेंस। आगे देखते हैं, अब डिफिनेशन देखते हैं कि इंटेलिजेंस के डिफिनेशन क्या क्या। हम इंटेलिजेंस को समझने के लिए समझते हैं कि जो थियरिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस पे काम किया उनके अनुसार क्या कहते हैं वो, किसे एक डिफाइन किया जा सकता है इंटेलिजेंस को, किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो जो पहला डिफिनेशन है वो है बहुत ही फेमस डिफिनेशन है, इंटेलिजेंस इज व्हाट द टेस्ट मेजर्स, बहुत ही फेमस डेफिनेशन, मोस्ट रिपीटेड डेफिनेशन है। क्या है वो, बोरिंग का। और बोरिंग ने कब डेफिनेशन दिया, 1923। ये एक तरह से मतलब सबसे फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस है, बोरिंग ने दिया है। क्या कहते हैं बोरिंग, बुद्धि परीक्षण, बुद्धि क्या है, परीक्षण, जो मापता है वही बुद्धि है। तो बुद्धि परीक्षण या इंटेलिजेंट टेस्ट जो मापता है वही क्या है, बुद्धि है। बहुत ही एक तरह से कहिए बहुत ही यूनिक डेफिनेशन है, अपने आप में बहुत कुछ समाये हुए ये डेफिनेशन है। देखने में बहुत छोटा सा है कि इंटेलिजेंस इज व्हाट द टेस्ट मेजर्स, इतना सिंपल कह देना है कि जो टेस्ट मापता है वही बुद्धि है। देखने में तो बहुत सरल लगता है, बट इसका जो डेफिनेशन, जब आप इसके अंदर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें गहराई है काफी है, जिसके कारण इस डेफिनेशन को बहुत हद तक क्या कर दिया गया, धीरे धीरे क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया, क्योंकि ये स्पष्ट परिभाषा नहीं दे रही थी। हम जो चीज माप रहे हैं वो बुद्धि है, यानी कुछ ऐसी चीज डिफाइन नहीं हो रही थी जो बुद्धि को एक मतलब एक लेवल पे डिफाइन करे, एक स्तर पे डिफाइन करे कि पता चले कि हाँ बुद्धि को इस तरह से समझा जा सकता है। तो बहुत ही सतही डिफिनेशन आप इसको कह सकते हैं, क्या, इंटेलिजेंस इज व्हाट द टेस्ट मेजर्स, बोरिंग ने यह डिफिनेशन दिया था। पूछा जाता है कि 1923 ये डेट भी पूछा गया है और ये बोरिंग ने कब डिफिनेशन दिया इसके बारे में। दूसरा, क्या, इंटेलिजेंस एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू थिंक रेशनली, टू एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरमेंट। अब बुद्धि क्या है और किसके अनुसार है, ये वेस्लर के अनुसार, वेस्लर ने डिफिनेशन दिया था 1994 में, वेस्लर ने बुद्धि को परिभाषित किया था 1994 में ये कहते हुए कि बुद्धि क्या है, एक अग्रीगेट या ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का क्या है, उसका ग्लोबल कैपेसिटी है, किसके लिए, टू थिंक रेशनली, तार्किक रूप से सोचने का जो उसका ग्लोबल कैपेसिटी है वो बुद्धि है। एंड और क्या, टू एक्ट पर्पसफुली, और क्या करना, एक्ट ऐसा एक करना जो उद्देश्य हो, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार या उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने को क्या कहते हैं, बुद्धि। और उसमें क्या किया जाएगा, एंड डील इफेक्टिवली, और एक प्रभावशाली तरीके से हम क्या करेंगे उसके साथ, मैनेज करेंगे, किसके साथ, विद द एनवायरमेंट, पर्यावरण के साथ, वातावरण के साथ इफेक्टिव तरीके से पर्पसफुली एक्ट करना क्या कहलाता है हमारा, इंडिविजुअल का क्या कहलाती है, वो इंटेलिजेंस कहलाती है। हिंदी में देखते हैं क्या कह रहे हैं, बुद्धि कह, बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है, क्या है, एक सार्वजनिक क्षमता जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्य पूर्ण क्रिया करता है। वो कोई ऐसे ऐसी क्रिया नहीं करता, वो वही क्रिया करेगा जिसको वो चाहता है, जिसके पीछे उसका कोई एम है। और उद्देश्यपूर्ण क्रिया के बाद क्या करता है, वो विवेकशील चिंतन करता है, वो लॉजिकल थिंकिंग, वो रेशनल थिंकिंग करता है, तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। डिफिनेशन किसने दिया था, वेस्लर ने। वो कहते हैं बुद्धि क्या है, बुद्धि वो है जिसमें हम क्या करते हैं, उद्देश्यपूर्ण क्रिया करते हैं, हम एक लॉजिकल तरीके से सोचते हैं और पर्यावरण या वातावरण के साथ क्या करते हैं, प्रभावी ढंग से समायोजन करते हैं, वो पता चलता है, वो कहलाती है हमारी बुद्धि या इंटेलिजेंस। नेक्स्ट डिफिनेशन जो है वो लौटो का है, जो 1991 में देते हैं, लौटो, लौटो का डिफिनेशन क्या है, 1991 में कहते हैं, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू
मास्टर द नॉलेज एंड स्किल। किस चीज को मास्टर करने को बता रहे, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है? मास्टर करना। मास्टर द नॉलेज एंड स्किल नीडेड टू सक्सीड विद इन अ पार्टिकुलर कल्चर। एक कल्चर विशेष में क्या करना है, कल्चर विशेष में उस वहां के नॉलेज को, वहां की स्किल को क्या करना है, स्किल को अपने अंदर क्या करना है, स्किल को सक्सीड होने के, सफल होने के लिए इन सबको सीखना, नॉलेज और स्किल को, वो क्या कहलाता है हमारा, इंटेलिजेंस, बुद्धि। तेरा एक विशेष संस्कृति में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल में महारत हासिल करने की क्षमता क्या है, बुद्धि कहलाती है। तो जो क्षमता है किसी पर्यावरण में, किसी इन्वायरमेंट में, वह उसमें कौशल और ज्ञान को हासिल करने की जो क्षमता कहलाती है वो बुद्धि कहलाती है। तो बुद्धि की हमने तीन परिभाषाएं देखा, तीनों परिभाषाएं काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आते हैं, कई बार आप इंट्रेंस लिखते हैं वहां पे आते हैं, आपको कहीं ना कहीं ये सारी परिभाषाएं देखने को मिल जाएंगी, ये तीनों परिभाषाएं इंटेलिजेंस के। आगे देखते हैं, इसके अलावा अब देखते हैं कि नेचर क्या है इंटेलिजेंस की, क्या है इंटेलिजेंस की प्रकृति, कैसा है इंटेलिजेंस, ठीक है, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, कैसी है प्रकृति इंटेलिजेंस का देखते हैं। आइए, इट इज एन इनेट मेंटल एबिलिटी विच ग्रोज एंड इन इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरमेंट। ये कैसा नेचर, इंटेलिजेंस का नेचर कैसा है, इंटेलिजेंस का नेचर है जन्मजात मानसिक क्षमता है, क्या है, ये हमें जन्म से मिलता है, ठीक है। बुद्धि क्या है, एक जन्मजात मानसिक क्षमता है जो क्या होती है, जो बढ़ती रहती है और पर्यावरण से प्रभावित होती है। तो इंटेलिजेंस हमें जन्मजात तो मिली है, साथ ही साथ वो क्या होती है, समय के साथ बढ़ती रहती है, और जैसे जैसे हम इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जैसे जैसे हम पर्यावरण के साथ क्रिया करते हैं, तो हमारी बुद्धि क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो बुद्धि की क्या है, ये नेचर है, बुद्धि इस तरह की होती है जो क्या होती है, लगातार इंक्रीज होते रहती है, लगातार बढ़ते रहती है। आगे कह रहे, इट शोज द कैपेसिटी टू अडॉप्ट न्यू आर चेंज्ड सिचुएशन क्विकली एंड करेक्टली। यह नई या बदली हुई परिस्थिति में जल्दी और सही ढंग से अनुकूल होने की क्षमता को दर्शाता है। तो बुद्धि क्या बताता है, बुद्धि बताता है कि आप जब कहीं किसी नई परिस्थिति में हो, किसी न्यू प्रॉब्लम में हो, कंडीशन में हो, उसमें आप कैसे किसी चीज को अडॉप्ट कर पाते हैं, उसको कितना क्विकली, कितना इफिशियंसली आप क्या कर पाते हैं, अनुकूल कर पाते हैं, खुद को अडॉप्ट कर पाते हैं, उस अडॉप्ट करने की क्रिया, उसके अडॉप्ट करने का नेचर क्या कहलाता है, वो बुद्धि का नेचर है। आप बुद्धि के द्वारा क्या कर पाते हैं, किसी नई परिस्थिति में समायोजन कर पाते हैं। अगला क्या है, इट इज द एबिलिटी, क्या है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू कैरी ऑन हायर मेंटल प्रोसेसेस सच एज रीजनिंग। क्या कैरी करता है, रीजनिंग, जजमेंट, या उच्च मानसिक प्रक्रियाओं का से बना हुआ है। बुद्धि का नेचर कैसा है, या उच्च मानसिक प्रक्रियाएं जैसे तर्क, आलोचना, तर्क संगत और निर्णय को जारी रखने की क्षमता है। तो हम बुद्धि का नेचर कैसा है, ये तर्क रूप में काम करता है, इसमें क्या डेवलप होता है, इसमें आप आलोचनात्मक रूप से चीजों को सोच सकते हैं, आप किसी चीज के बारे में आलोचनात्मक थिंकिंग कर सकते हैं, ये नेचर बताता है इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस का नेचर कैसा होता है, वो प्रकृति रूप से, वो प्रकृति रूप से क्या होता है, एक तर्क रूप में सोचने की क्रिया करता है, उसमें क्या होता है, वो आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया देता है, ये है इंटेलिजेंस का नेचर। और क्या है, और इट इंप्लाइज, यानी इंटेलिजेंस इंप्लाइज द कैपेसिटी टू लर्न एंड टू सॉल्व डिफिकल्ट टास्क एंड प्रॉब्लम। और किसमें मदद करता है, ये हमें डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हो या डिफिकल्ट टास्क हो, उन सबको सॉल्व करने में क्या करता है, इंटेलिजेंस मदद करता है। इंटेलिजेंस की प्रकृति ऐसी है कि वो हमें क्या करती है, हेल्प करती है, कैसी कार्य को, इसका कठिन कार्य हो, कठिन कार्य को सीखने या समस्या को हल करने की क्षमता में हमें क्या करती है, मदद करती है, उसको क्षमता में हमें वृद्धि करती है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के वृद्धि से हम क्या कर पाते हैं, हम क्या करते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को कैटर कर पाते हैं, हम उसे सॉल्व कर पाते हैं। तो ये नेचर है, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की प्रकृति कैसी होती है, इंटेलिजेंस की प्रकृति इस तरह से है। फिर आगे देखते हैं,
टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कि कितने तरह से हम बताएं जनरली इंटेलिजेंस के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो जो यहां मानक रूप से हम जो सतही तौर पर हम डिफाइन कर पाते हैं कि इंटेलिजेंस किस तरह से होती है, इतने टाइप क्या है, तो हम इसे तीन तरह से डिवाइड कर पाते हैं इंटू थ्री काइंड्स। चाहे पहला है कॉन्क्रीट और मोटर या मैकेनिकल इंटेलिजेंस, ऐसी इंटेलिजेंस जो क्या होती है मूर्त रूप में या यांत्रिक रूप में या गामक रूप में, जो दिखती है, जो दिखने वाली बुद्धि है, जो प्रत्यक्ष रूप से कॉन्क्रीट रूप से मूर्त रूप से जो दिखती है, वो एक बुद्धि का प्रकार है। दूसरी बुद्धि का प्रकार क्या है, सोशल या इमोशनल इंटेलिजेंस, वो सामाजिक और भावात्मक बुद्धि इंटेलिजेंस ऐसी होती है जो क्या होती है सोसाइटी सोशल रूप से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। ऐसे लोग होते हैं, ये इंटेलिजेंस उन लोगों में पाई जाती है या जो सोशली इंटेलिजेंस हो, जो सोसाइटी में या सोशल रूप से बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत जुड़े होते हैं, रिलेशंस बहुत अच्छे रखते हैं, उन सब के अंदर किस तरह की बुद्धि देखी जाती है, उसके अंदर सोशल इंटेलिजेंस देखी जाती है। तो ये एक दूसरा प्रकार है इंटेलिजेंस का। और तीसरा प्रकार क्या है, एब्स्ट्रैक्ट या जनरल इंटेलिजेंस, जिसे हम अमूर्त या सामान्य बुद्धि के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा बुद्धि कितने प्रकार की होती है, इंटेलिजेंस को हम जनरली तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तीन तरह से कौन है, पहला है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, ऐसा इंटेलिजेंस जिसमें मूर्त रूप का काम हो, जैसे इंजीनियर जैसे आर्किटेक्ट, इन सब का काम क्या है, एक ऐसी चीजों को डेवलप करना जो मूर्त रूप में दिखता हो, चाहे वो इंजीनियर कोई चीज का निर्माण कर रहा हो, चाहे वो आर्किटेक्ट किसी भवन का निर्माण कर रहा हो, इसमें उसे क्या चाहिए, एक ऐसे इंटेलिजेंस की चाहिए जिसकी वो कल्पना करके बिना कल्पना उसे मूर्त रूप दे सके। और मूर्त रूप देना को क्या कहते हैं, उसके कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस को दर्शाता है। दूसरा इंटेलिजेंस सोशल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस उन लोगों में होती है जो बहुत अच्छे से किसी रिलेशंस को डिफाइन करते हैं, जो सोसाइटी के सभी नॉर्म्स को जानते हैं, सोसाइटी के सभी रूल, सोसाइटी के बारे में पूरा अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे इस तरह के लोग क्या कहलाते हैं, इस तरह के लोग की जो बुद्धि होती है वो सामाजिक बुद्धि कहलाती है, वो सामाजिक सोशल इंटेलिजेंस कहलाते हैं। और तीसरी जो बुद्धि है वो है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस साइंटिस्ट में देखने को मिलती है, मैथमेटिशियन में देखने को मिलती है, फिलोसफर्स में देखने को मिलती है, टीचर्स में देखने को मिलती है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। टीचर कैसे जानता है, टीचर क्या करता है, अपनी कल्पनाओं से बात, चाहे वो अपने स्टडी को डेवलप करना हो, चाहे वो बच्चों के बारे में हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो जब वो पढ़ रहा हो या रिसर्च कर रहा हो, उन सारी चीजों के बारे में क्या करना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना, और इस चीज को क्या दिखाता है, चाहे वो मैथमेटिशियन हो, चीजों को डेवलप कर पाना सिर्फ सोचने के आधार पे, चाहे वो फिलोसोफर हो जो क्या करता है कल्पना से वो सोचते हुए चीजों को डेवलप कर पाता है, उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग कर पाता है, उस तरह के बुद्धि जिनके अंदर होती है वो क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के पद। तो हमने देखा तीन तरह की बुद्धि डिफाइन की गई है, क्या क्या, इंटेलिजेंस कॉन्क्रीट, सोशल और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। आगे देखते हैं, अब समझते हैं एक एक इंटेलिजेंस को, क्या है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। ठीक है, कह रहा है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस क्या है, दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज एप्लीकेबल फॉर यूजिंग मशीन्स टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें किस तरह के चीजें यूज किए जाते हैं, इसका तात्पर्य उस योग्यता से है जिसकी सहायता से व्यक्ति स्वयं को यंत्रों और भौतिक पदार्थों से संबंधित परिस्थितियों के साथ सुव्यवस्थित कर लेता है। तो इसमें व्यक्ति क्या करता है, किसके साथ इंगेज करता है, ऐसे फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो टूल्स हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो, इन सब के साथ जो व्यक्ति लगता है, चाहे वो कारीगर हो, चाहे वो मिस्त्री हो, इस तरह के काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस के व्यक्ति। जैसे मैकेनिक्स, जो मैकेनिक्स होते हैं उनके अंदर जो बुद्धि होती है वो क्या होती है, कॉन्क्रीट रूप की बुद्धि होती है। इंजीनियर्स कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस के बुद्धि वाले कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा है सोशल इंटेलिजेंस, दूसरा क्या है, सोशल इंटेलिजेंस।
हाँ, सोशल इंटेलिजेंस क्या कह रहा है? सोशल इंटेलिजेंस है, इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सोशल सिचुएशन एंड एक्ट वाइजली इन ह्यूमन रिलेशनशिप। आगे कह रहा है, एंड सोशली इंटेलिजेंस पीपल नो द आर्ट ऑफ विनिंग फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस देम। तो सोशल जो इंटेलिजेंस पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर एक कला होती है क्या, फ्रेंड बनाने की, उनको इन्फ्लुएंस करने की, सोसाइटी में रहने की, और क्या होती है, ह्यूमन रिलेशनशिप को वाइजली समझने का क्या होता है उनके अंदर, बुद्धि होती है। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, सोशली इंटेलिजेंट पर्सन कहलाते हैं। जैसे इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलन की योग्यता से है, जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने को समाज में व्यवस्थित कर लेता है, और इस प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं, प्रसन्न, मिलनसार और सामाजिक संबंधों वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है लीडर, एक्टिविस्ट, सेल्समैन, डिप्लोमेट्स एंड सोशली इंटेलिजेंस। ये लोग क्या होते हैं, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे वो डिप्लोमेट्स है, इनके रिलेशन कैसे रिलेशन रखते हैं, सोसाइटी में सारे रिलेशंस को समझते हैं, ये इन्फ्लुएंसिव पर्सन होते हैं, ये किसी को बहुत आसानी से क्या कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, ये एबिलिटी होती है, ये इंटेलिजेंस होती है, किसकी, प्रभावित करने वाली इंटेलिजेंस को, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सोशली इंटेलिजेंट पर्सन। अगला देखते हैं, तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अब एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या है, इट इज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू वर्ड्स, नंबर्स एंड लेटर्स एक्सेट्रा। तो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस वो होगी जिसमें व्यक्ति किसी से डील करेगा, वर्ड्स से, वो अपनी कल्पनाओं से शब्दों की रचना करेगा, शब्दों को गढ़ेगा, शब्दों के नए नए शब्द बनाएगा, इस तरह के इंटेलिजेंस पर्सन। वो नंबर्स के साथ कल्पना करेगा, वो नंबर्स के साथ ऑपरेशंस करेगा, एंड क्या करेगा, वो लेटर्स के साथ, इन सब के साथ एब्स्ट्रैक्ट काम करने वाले पर्सन की एबिलिटी क्या होती है, इस तरह के काम करने वाले, इन सब के चीजों के का, इन सब चीजों के साथ, चाहे वो वर्ड्स हो, नंबर्स हो, लेटर्स हो, उन सब के साथ काम करने वाले व्यक्ति किस तरह से इंटेलिजेंट होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस पर्सन कहलाते हैं। उनमें क्या होती है, उनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है, और अमूर्त बुद्धि क्या करती है, उनमें कल्पनात्मक विचार डेवलप करती है, वो क्या करते हैं, किसी चीज के बारे में तार्किक रूप से सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, इस तरह के बुद्धि होते हैं। तो अमूर्त बुद्धि से अभिप्राय क्या है, शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों को समझने व प्रयोग करने की योग्यता से है, चाहे वो लिखने, पढ़ने और तार्किक चिंतन में अमूर्त बुद्धि की आवश्यकता होती है। जब आप चीजों को लिखते हैं, पढ़ते हैं, इन सब में क्या होती है, तार्किक एबिलिटी की आवश्यकता होती है। जैसे टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड फिलोसोफर्स, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे फिलोसोफर हो, चाहे वो लॉयर हो, लॉयर को देखा होगा आर्गुमेंट करते हुए, ये आर्गुमेंट कैसे आती है उनके अंदर, लॉजिकल आर्गुमेंट करने की, किसी चीज के तर्क देने की, ये तर्क देने की एबिलिटी क्या आती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से आती है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस उनका दर्शाता है, वो चीजों के बारे में लॉजिकल तरीके से सोच सकते हैं। एक टीचर के अंदर जो इंटेलिजेंस होता है वो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होता है, वो क्या कर पाता है, चीजों के बारे में उस कल्पना कर पाता है कि एक बच्चे को हमें किस रूप में विकसित करना है, हमें समाज को किस रूप में ले जाना है, हम समाज की आवश्यकताओं को समझते हुए, हम देश की आवश्यकताओं की, देश की उन्नति के लिए, देश के बनाए गए लक्ष्य को, चाहे वो एजुकेशन के लक्ष्य क्या है, उस हिसाब को, उसको समझते हुए क्या करता है, अपनी टीचिंग को करता है। तो इसलिए क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस जो चीजों को सोच पाए, जो कल्पना कर पाए, जो भविष्य के बारे में सोच पाए, उन सब चीजों के लिए जो इंटेलिजेंस होती है वो क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एक फिलोसोफर जो क्या होता है, घर बैठे चाहे तो क्या कर सकता है, अपनी एक फिलोसफी तैयार कर सकता है, उस फिलोसफी को तैयार करने के लिए जो इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की आवश्यकता होती है। एक फिलोसोफर
जो क्या कर सकता है, सिर्फ घर पे बैठे बैठे एक पूरी फिलॉसफी रख सकता है। किसके बेसिस पे? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बेसिस पे, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के बेसिस पे वो थियरी डेवलप कर सकता है, वो अपना अपना क्या कर सकता है, एक दर्शन बना सकता है, अपना लॉजिकल तरीका दे सकता है कि किस तरह से उसका दर्शन और दर्शन से भिन्न है, किस तरह वो किसी चीज को सपोर्ट कर रहा है, किस तरह से वो किसी चीज को किसी चीज की आलोचना कर पा रहा है, उसका तर्क दे पाएगा। तो ये इंटेलिजेंस, इस तरह के इंटेलिजेंट पर्सन कहलाते हैं अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, चाहे अध्यापक हो, वकील हो, चिकित्सक हो या दार्शनिक हो। अब इसके बाद इंटेलिजेंस के हम ये टाइप समझ लिए, अब इसके बाद बात आती है कि इंटेलिजेंस के लिए जो टेस्ट बना था जिसको हम क्या कहते हैं IQ, वो क्या है, क्या है ये IQ? क्वेश्चन है, व्हाट इज IQ? IQ क्या है, क्यों जरूरत पड़ी इसके? पहला क्वेश्चन है IQ क्या, IQ का क्या फुल फॉर्म बता दे, वो IQ है इंटेलिजेंट कोशेंट। तो क्या वो IQ है? हिंदी में हम कह दे तो उसे कहते हैं बुद्धि लब्धि। क्या बुद्धि लब्धि IQ है? बुद्धि लब्धि, क्या यही IQ है सिर्फ? IQ का मतलब क्या है? IQ को समझना, IQ को सिर्फ फुल फॉर्म कर देना ही नहीं होता है IQ। IQ को समझने के लिए हम IQ को डिफाइन करते हैं, IQ निकालते हैं, IQ के लिए फॉर्मूला बना। हमने पहले वीडियो में जिक्र किया था थोड़ा बहुत एक कहानी का, कि किस तरह पियाजे काम कर रहे थे अल्फा बीने के साथ, और बीने काम कर रहे थे इसी IQ के डेवलपमेंट में। जब भी IQ का नाम आता है तो नाम आता है अल्फ्रेड बीने का। क्यों? बीने ने ही IQ के डेवलपमेंट का सबसे पहले काम किया था। उन्होंने IQ का फॉर्मूला बनाया, उन्होंने IQ के बारे में काम किया, उन्होंने टेस्ट डिजाइन किया कि हम IQ में किस तरह से टेस्ट ले सकते हैं। ये काम उन्हें किस गवर्नमेंट ने दिया था, आपको याद होगा, मैंने अपने वीडियो में जरूर वीडियो में इस बात की चर्चा की है कि फ्रेंच की गवर्नमेंट ने इनको काम दिया था अल्फ्रेड बीने को, कि आप एक टेस्ट डिजाइन कीजिए जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि कौन बच्चा पढ़ने में तेज है और कौन बच्चा पढ़ने में कमजोर है। तो बेसिकली IQ का मतलब यही था, जो कंसेप्ट था स्टार्टिंग का, कि हम दो लोगों को डिफर कर सके, हम दो लोगों को डिफ्रेंशिएट कर सके, तेज बुद्धि वाले में और कम बुद्धि वाले में। तो IQ यही करता है, IQ कम बुद्धि और तेज बुद्धि को डिफ्रेंशिएट करता है। तो IQ के बारे में और चीजें भी हम जानेंगे आगे अपने वीडियो में, आइए देखते हैं। इंटेलिजेंट कोशेंट यानी IQ, IQ फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक भी होता है। तो कई बार एग्जाम में आते हैं इंटेलिजेंट कोशेंट के जगह पे कुछ और लिख देता है, कोशेंट ही रहता है, स्पेलिंग अलग होती है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें IQ के फुल फॉर्म में, चीजें छोटी है बट महत्वपूर्ण है। उसके बाद IQ की खोज बात किया तो 1905 में अल्फ्रेड बीने एंड थियोडोर साइमन ने क्या किया था, मेड द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू फॉर्मली मेजर इंटेलिजेंस। इन्होंने क्या किया था, औपचारिक रूप से इंटेलिजेंस को मापने के लिए 1905 में टेस्ट को डिजाइन किया था। उस टेस्ट में कई चीजें इन्वॉल्व थी, चाहे वो वर्बल थी, नॉन वर्बल थी, उसमें लेटर्स थे, उसमें अल्फाबेट थे, उसमें फिगर वाले क्वेश्चन थे। इस तरह के जो टेस्ट बनाए थे वो इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए थे, कौन ने, अल्फ्रेड बीने और साइमन ने मिलकर 1905 में। तो पहला जो टेस्ट कहा जाता है डिजाइन किया गया था वो अल्फ्रेड और बीने द्वारा, किस चीज को मापने के लिए, इंटेलिजेंस को मापने के लिए। किस सन में डिजाइन किया गया था, 1905 में, 1905 में इस चीज को डिजाइन किया गया था। एक और क्वेश्चन आता है, द एब्रिविएशन ऑफ IQ हम जान गए क्या है, इंटेलिजेंट कोशेंट। किसने क्वाइन किया था इस टर्म को, IQ वॉज क्वाइंड बाय द साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टोन। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, IQ टेस्ट, इंटेलिजेंट कोशेंट टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड बीने एंड साइमन इन 1905, बट द क्वाइंड, द टर्म क्वाइंड, कौन सा टर्म, IQ का टर्म किसने दिया था, विलियम स्टोन।
विलियम स्टर्न ने स्टर्म को क्या किया था, क्वाइन किया था। तो ये दोनों चीज डिफरेंट है। जब भी एग्जाम में पूछे कि आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया था, आईक्यू वर्ड प्रतिपादित किसने किया था, तो विलियम स्टर्न ने किया था। आईक्यू टेस्ट डेवलप किसने किया था, तो वो अल्फ्रेड बीने और साइमन ने किया था। ये दोनों चीज डिफरेंशिएट है, दोनों चीज अलग है और दोनों चीज क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और अक्सर लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीने ने क्या किया था, टेस्ट डेवलप किया था, तो आईक्यू का कंसेप्ट भी बीने ने दिया था। नहीं, विलियम स्टर्न ने आईक्यू के क्या दिया था, टर्म दिया था। टाइम क्या था, 1912 में। आगे देखते हैं, अरे बीने एंड साइमन यूज मेंटल एज टू डिस्टिंग्विश क्या, ब्राइट फ्रॉम डल चिल्ड्रन। इन्होंने किस चीज का यूज किया था, मेंटल एज का। इन्होंने एक कंसेप्ट बनाया मेंटल एज। अगर हम मानसिक आयु व्यक्ति का पता कर ले तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन बुद्धिमान है और कौन डल है, हु इज ब्राइट एंड हु इज डल। तो बेसिकली क्या था, वो बच्चों को डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे थे बुद्धिमान और डल से। डल को आप मूर्ख या मंद बुद्धि कह सकते हैं। इस चीज में डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या किया था, आईक्यू टेस्ट का डिजाइन किया था। क्या है आईक्यू टेस्ट, आईक्यू टेस्ट द रेशियो बिटवीन मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है हम देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट है, आईक्यू क्या है, आईक्यू का फॉर्मूला है आईक्यू एम ए डिवाइडेड बाय सी ए मल्टीप्लाई बाय 100। ये एम ए क्या है, एम ए है मेंटल एज, यानी एक बच्चे की, बच्चा या बालक या बालिका उसकी मानसिक आयु, और सी ए यानी क्रोनोलॉजिकल आयु उसकी जो वास्तविक आयु हो रही है, वो जैसे जैसे बढ़ रहा है उसकी वास्तविक आयु क्या होती है, क्रोनोलॉजिकल आयु। जब हम मानसिक आयु को क्रोनोलॉजिकल आयु से या वास्तविक आयु से डिवाइड करते हैं और उसके बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आईक्यू निकल जाता है। क्या निकल जाता है, आईक्यू। अब किसी बच्चे का आईक्यू पता करने का फॉर्मूला क्या है, आईक्यू इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाई सी ए मल्टीप्लाई बाई 100। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आईक्यू क्या है, एक बच्चे का 10 ईयर क्या है, 10 ईयर उसका सी ए है विद मेंटल एज ऑफ 12। अगर एक बच्चे का मेंटल एज 12 है, अगर उस बच्चे का क्या है क्रोनोलॉजिकल एज 10 है और हम उसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या प्राप्त कर ले रहे हैं, हम आईक्यू प्राप्त कर ले रहे हैं। और क्या होगा उस बच्चे का आईक्यू, 120। आईक्यू क्या होगा, 120। अब 120 क्या है, ये तो हमें कुछ पता ही नहीं। इस 120 को पता करने के लिए हम चार्ट का यूज करेंगे, उस चार्ट का जिसमें डिफाइन किया गया है कि किसी व्यक्ति का इंटेलिजेंस अगर 0 से 120 140 140 तक आता है तो कौन सा व्यक्ति किस कैटेगरी में कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा। क्या 120 आने वाले को कम बुद्धि का कहेंगे, मंद बुद्धि का कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, क्या नॉर्मल सामान्य बुद्धि का, या उसे प्रतिभाशाली। तो इस चीज को समझने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, चार्ट का, जिसमें क्या होगा प्रत्येक नंबर को डिवाइड किया गया होगा, प्रत्येक नंबर के को बताया गया होगा कि इतने नंबर पाने वाले बच्चों को क्या कहा जाएगा, वो चीज हम उस चार्ट के थ्रू देखेंगे। तो हमें क्या मिल गया, आईक्यू 120 मिल गया। इसी तरह किसी और भी बच्चे का, फॉर एग्जाम्पल किसी और बच्चे का जो मानसिक आयु है वो 10 है, और अगर मानसिक आयु 10 है और किसी बच्चे की जो रियल एज है अगर वो 8 है तो उसका आयु कितना आएगा, क्या सेम आएगा आयु, हम देख लेते हैं। आयु आ जाएगा इसका 1000 डिवाइडेड बाय 8, और ये क्या आ जाएगा, 8 एकम 8 16 125। ठीक है, 125। अगर किसी भी बच्चे का मानसिक आयु 10 है और उसका क्रोनोलॉजिकल आयु यानी वास्तविक आयु अगर 8 है तो उसका आईक्यू क्या आ जाएगा, 125। इसी तरह हम किसी बच्चे का, किसी बालक या बालिका का
आईक्यू पता कर सकते हैं। आईक्यू पता करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है, हमें उसके मानसिक आयु की और उसके वास्तविक आयु की। मानसिक आयु और वास्तविक आयु क्या है, इस चीज को समझ लेते हैं। वास्तविक आयु जैसा कि मैंने बताया, जो बच्चे का जन्म से जो आयु बढ़ती जाती है उसके काउंटिंग को हम कहते हैं वास्तविक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल आयु। मानसिक आयु को पता उसके बुद्धि से लगता है। अगर कोई बच्चा क्लास 5 में है जिसकी उम्र 10 साल है, अगर वो बच्चा जिसकी उम्र 10 साल है कक्षा 5 में है, अगर वो 5 क्लास के बाद, 5 क्लास के बच्चा होने के बाद अगर वो क्लास 8 के किताब को, 8 के सवाल को सॉल्व कर पाता है, अगर क्लास 8 के चीजों को वो उसी रूप में कर पाता है जिस तरह का क्लास 8 का बच्चा जिसकी उम्र मान लीजिए 13-14 साल होगी, अगर वो कर पाता है और 10 साल का बच्चा भी उसी तरह से करता है, तो कहा जाएगा जो 10 साल का बच्चा है उसकी मानसिक आयु क्या हो गई है, 13 साल के बच्चे के बराबर हो गई है। तो हम क्या ले लेते हैं, 10 साल के आयु के बच्चे की मानसिक आयु 13 ले लेंगे एम एन। अगर बच्चा कोई 10 साल का है, अगर वो 10 साल का है क्लास 5 में है, फिर भी अगर वो कक्षा 5 के सवाल को नहीं सॉल्व करके कक्षा 3 के सवाल को सॉल्व कर रहा है, तो हम कहेंगे उसकी मानसिक आयु क्या है, कक्षा 3 के बच्चे की बराबर है, जो कि हो सकती है कितने 6 साल मान लीजिए। तो अब उसकी मेंटल आयु क्या हो जाएगी, तो मेंटल आयु इस चीज पे डिपेंड करता है कि एक बच्चा अपने लेवल से अपनी बुद्धि के हिसाब से कितना ऊपर है कितना नीचे है, उससे उसकी क्या होती है मेंटल आयु का पता चलता है। और उस मेंटल आयु से हम क्या करते हैं, मेंटल आयु को क्रोनोलॉजिकल आयु से डिफाइन कर डिवाइड करके हम आईक्यू पता कर सकते हैं। तो यह है आईक्यू पता करने का फॉर्मूला। अब हम देखते हैं इसके बाद क्या है, अल्फ्रेड बीने, देख लेते हैं इस चार्ट को भी। अल्फ्रेड बीने है ये, दिस इज द फिगर ऑफ अल्फ्रेड बीने, 1875 से 1911, 1857 से 1911 तक अल्फ्रेड बीने का जो टाइम पीरियड है, ये रहा अल्फ्रेड बीने का फिगर। आप सबने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए, अल्फ्रेड बीने ये हैं, ठीक है। ये हैं इनके मित्र जो इनके साथ काम किए थे, जिनका नाम है थियोडोर साइमन। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1873 से 1961। इन दोनों ने साथ मिलकर काम किया था, किस पे काम किया था, इंटेलिजेंट टेस्ट को डिजाइन करने में। यहां कुछ लिखा है उसको भी देखते हैं क्या कह रहे हैं, दीज टू पर्सन अल्फ्रेड बीने और साइमन ट्राइड फॉर इयर्स, लंबे समय तक क्या किया, काम किया किसके लिए, इंटेलिजेंस विच सच थिंग एज क्रैनिकल फेसियल एंड हैंड कॉन्फ़िगरेशन। उन्होंने इस तरह से काम किया कि इंटेलिजेंस किस तरह से पता चल जाए, वो पता चल जाए कि एक फेसियल एक्सप्रेशन से, हैंड कॉन्फ़िगरेशन से इंटेलिजेंस के बारे में। बट क्या हुआ, एंड इवन हैंड राइटिंग एनालिसिस, उन्होंने हैंड राइटिंग एनालिसिस करके भी पता करने की कोशिश की कि कोई व्यक्ति कितना इंटेलिजेंस है। देयर रिजल्ट्स वर क्या थे, नॉट टू प्रोमाइसिंग एंड गेव राइज टू द आइडिया ऑफ दैट डायरेक्ट इवन दो क्रूड मेजरमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटेलेक्चुअल फंक्शन ऑफर्ड द ग्रेटेस्ट प्रोमाइज। तो क्या किया, जब इन सारी चीजों से वो पता नहीं कर पाया, तब उन्होंने क्या किया, तब वो प्रेरित होके दूसरे चीजों पे आए कि वो क्या कर पाए, वो एक कॉम्प्लेक्स मेजरमेंट के थ्रू क्या कर पाए, पता कर पाए इंटेलिजेंस के बारे में। तो इतने काम करने के बाद, काफी लंबे समय तक काम करने के बाद, उन्होंने क्या किया था, एक टेस्ट को डिजाइन किया था। इस टेस्ट में भी मॉडिफिकेशन हुआ 1916 में, चल के उस टेस्ट को और अच्छा किया गया। तो ये जो वर्क था, ये है बीने, अल्फ्रेड बीने, और ये है थियोडोर साइमन। तो इन दोनों का काम है इस पे। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ आईक्यू, ये देख लेते हैं क्या है। जैसे हमने बात किया, एक बच्चे का आईक्यू क्या आ रहा था, 120। अगर किसी बच्चे का आईक्यू 120 आ रहा है, तो हम क्या मानेंगे, उसकी बुद्धि क्या है, एबव एवरेज है, ठीक है। उस बच्चे की आयु क्या है, एबव एवरेज है, या वो क्या है, वो सुपीरियर की तरफ जाने वाला है, वो श्रेष्ठ बुद्धि उसकी होने वाली, या वो श्रेष्ठ बुद्धि की तरफ अग्रसर है। इसका जो डिफाइन है वो देख लेते हैं क्या क्या है।
जो क्लासिफिकेशन है वो स्टार्टिंग होती है 0 से और 140 से एवर। अब इस समय इस दुनिया में अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग आईक्यू रखने वाले लोग पैदा हुए, चाहे वो आइंस्टीन हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे वो जीन पियाजे हो, पाउलो फ्रेरे हो, या कई खिलाड़ी है, सबके आईक्यू को कहीं ना कहीं रूप से जानने की कोशिश की गई, देखने की कोशिश की गई। बहुत सारे लोगों के आईक्यू 140 एबव आते हैं, जिनको हम क्या मानते हैं कि जीनियस, सुपर जीनियस मानते हैं, कि वो बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। और जिन बच्चों का, जिन लोगों का बुद्धि 0 तक, 0 से 20 तक आता है, उनको क्या करते हैं, एक बार हम फटाफट इस कैटेगरी को देख लेते हैं। प्रतिभाशाली या जीनियस की श्रेणी को कहा जाता है 140 प्लस, जिनका आईक्यू स्कोर 140 प्लस आएगा उसको हम कहेंगे जीनियस, वेरी सुपीरियर वो कहलाएंगे या अति श्रेष्ठ वो कहलाएंगे जिनका आईक्यू स्कोर 130 और 140 के बीच में आता है। सुपीरियर यानी श्रेष्ठ वो कहलाएंगे जिनका आईक्यू स्कोर 120 से 130 आता है। एबव एवरेज क्या कहलाएंगे, जो सामान्य से ऊपर बुद्धि के होंगे वो 110 और 120 जिनकी आईक्यू स्कोर आएगा। एवरेज या सामान्य बुद्धि वो कहलाएंगे जिनका आईक्यू स्कोर क्या आएगा, 90 से 110। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सामान्य बुद्धि की आईक्यू स्कोर कितना होता है, 90 से 110। प्रतिभाशाली का आईक्यू स्कोर क्या होता है, 140 प्लस। तो ये याद रखना भी काफी आवश्यक है। और इसको याद कैसे होगा, आप बार बार बच्चों को क्या कीजिए, आप बार बार लोगों का आईक्यू निकालिए। जब आप आईक्यू निकालते रहेंगे आपको ये चार्ट लर्न हो जाएगा। डल एवरेज या मंद बुद्धि हम किसको कहेंगे, जिनका आईक्यू स्कोर 80 से 90 होगा। बॉर्डर लाइन कौन से होंगे, जो सीमांत बुद्धि, जिनका आईक्यू स्कोर क्या होगा, 70 से 80 के बीच में। मेंटल रिटार्डेशन, जो मानसिक रूप से मंद होंगे उनकी आईक्यू स्कोर क्या है, 50 से 70। जिनका 50-70 मेंटल आईक्यू स्कोर होगा वो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन कहलाएंगे। मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन कौन कहलाएगा, जिनका आईक्यू स्कोर 35 से 50 के बीच में होगा। सीवियर कौन कहलाएंगे मेंटल रिटार्डेशन, गंभीर रूप से मानसिक मंदता, जिनका आईक्यू स्कोर 20 से 35 के बीच में होगा। और प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन यानी जिसे जड़ बुद्धि कहते हैं, वो 0 से 20 जिनका आईक्यू स्कोर होगा उनको हम जड़ बुद्धि में रखते हैं या जड़ बुद्धि कंसिडर करते हैं। तो ये है चार्ट आईक्यू का, आईक्यू स्कोर का। आप इस स्कोर से पता कर सकते हैं कि आप खुद का पता कर सकते हैं कि इंटेलिजेंस स्कोर, इंटेलिजेंस कोशेंट स्कोर क्या है, आपका आईक्यू क्या है। आप उन बच्चों का आईक्यू पता कर सकते हैं जिन्हें आप पढ़ाने वाले हैं, जो आपके घर में रहते हैं। तो ये क्या होगा, आपको आईक्यू के टेस्ट भी हम आगे आने वाले किसी वीडियो में हम फॉर्मेट लाएंगे कि अल्फ्रेड बीने ने किस तरह से बनाया था, आप किस तरह से आईक्यू टेस्ट डिजाइन कर सकते हैं, क्या क्या कटे कंटेंट चाहिए होता है आईक्यू टेस्ट को डिजाइन करने में, आईक्यू टेस्ट को डेवलप करने में, ये एक चीज होती है। और उससे जब आप पता कर पाएंगे, जब आप स्कोर फाइंड कर पाएंगे, तब आप निकाल पाएंगे। एक क्वेश्चन और भी आता है जिसके बारे में थोड़ा चर्चा कर देना चाह रहा हूं यहां। और वो है जैसा कि जब हम जो हमने फॉर्मूला पढ़ा आईक्यू निकालने का, आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज डिवाइडेड बाय 100। इसमें एग्जाम्स में क्या होता है, आईक्यू तो पूछा ही जाता है, आईक्यू के साथ साथ कभी कभी क्वेश्चन में आईक्यू दे देता है और वो क्या पूछ लेता है, मेंटल एज पूछ लेता है। तो बहुत सिंपल है, अगर आईक्यू दिया है, मान लीजिए किसी बच्चे के आईक्यू यानी इंटेलिजेंट कोशेंट स्कोर दे दिया है और उसका मानसिक आयु पूछ ले, तो आप क्या कर पाएंगे, आसानी से निकाल पाएंगे। अगर उसका वास्तविक आयु दिया हो, मान लीजिए वास्तविक आयु उसका दिया हो 10 साल, अगर एक बच्चे का वास्तविक आयु 10 साल है, उसका इंटेलिजेंट कोशेंट स्कोर 120 है, उसकी मेंटल आयु क्या होगी, मेंटल एज हो जाएगी उस बच्चे की 120 × 10/100, यानी क्या हो जाएगी, उसकी मानसिक आय 12। तो इस तरह से भी आता है, अगर आपको मेंटल एज न दिया हो, अगर आईक्यू दिया तो आप मेंटल एज निकाल सकते हैं, अगर मेंटल एज दिया हो, क्रोनोलॉजिकल एज दिया हो, तो आप उसका आईक्यू स्कोर निकाल सकते हैं। आईक्यू चार्ट हमने देख लिया, हमने बुद्धि के बारे में देख लिया,
अब जो आगे बचा है, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे इंटेलिजेंस की थियोरीज, थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस, कि कौन कौन सी थियोरीज, किस थियोरीज ने क्या थियोरी दिया था, उसके अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस थियोरी में क्या दिया, क्यों क्यों एक थियोरी के बाद दूसरी थियोरी जनरेट हुई, क्या उसकी आलोचना हुई, क्यों वो फेल हो गई कि हम दूसरी थियोरी को आए। हम उस थियोरी को भी पढ़ेंगे जो आज के दौर में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस थियोरी का है, जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो हार्वर्ड गार्डनर की थियोरी हो, ठीक है। तो ये थियोरी हम पढ़ेंगे कि हार्वर्ड गार्डनर की रिवाइज्ड थियोरी पढ़ेंगे, हम हार्वर्ड गार्डनर की पहली थियोरी पढ़ेंगे जो उन्होंने दिया था। हालांकि हार्वर्ड गार्डनर अभी भी जिंदा था, अभी कुछ दिनों पहले उनकी डेथ हो गई है। तो जो सबसे मतलब कह सकते थे, जो अभी हाल फिलहाल में जीवित जो व्यक्ति थे जिन्होंने इंटेलिजेंस पे काम किया, वो हार्वर्ड गार्डनर थे। उन्होंने काफी हद तक इंटेलिजेंस को बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छे कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिससे हम समझ पाते हैं कि एक व्यक्ति का इंटेलिजेंस किस फील्ड में है। तो हम सारी थियोरी को पढ़ेंगे, सबको डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली, उसको रिवाइज कीजिए, उसमें कोई दिक्कत आ रही हो, कोई उसमें कंफ्यूजन हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछिए, कोई राय हो, कोई सजेशन हो, वो कमेंट बॉक्स में लिख के हम तक पहुंचाइए। आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड बाय।